मम्मीज एंड डैडीज। मैं हूँ मेघा, आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज। आज मैं यूफी रोबोट के बारे में बताने वाली हूँ और उसका अनबॉक्सिंग ही। मैंने पहले यूज किया है, फिर भी उसके बॉक्स में क्या क्या था ये सब बताऊंगी। ये यूफी रोबोट है जो हम मॉपिंग और वैक्यूम के लिए यूज कर सकते हैं, झाड़ू पोछा दोनों के लिए। इसका स्पीड वगैरह यहाँ पे लिखा है 5x 2-in-1 वैक्यूम एंड मॉपिंग। यूफी ब्रांड का है, अलग अलग ब्रांड के है रोबोवैक। बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसके सबके ब्रांड्स है इसमें, लेकिन मेरा यूफी ब्रांड। इसका वाईफाई ऑन किया और आपके खुद के मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड किया यूफी का, तो हम कहाँ से भी ये यूफी ऑपरेट कर सकते हैं, ऑफिस से भी, बाहर से भी। अगर घर में यूफी ऑन करके रखा है आपने तो बाहर से भी उसको बंद कर सकते हैं, घर आपका क्लीन हो जाएगा तब। और अगर कहीं स्टक भी हो जाएगा तब तो आपको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, इस बॉक्स में यूफी रोबोट है। ये रोबोट के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिली है। पहले तो ये ब्रश मिलते हैं, ऐसे दो ब्रश मिले हैं। ये दो ब्रश झाड़ू के लिए ही यूज होते हैं। दूसरा एक ब्रश है, इसमें सब बाल वगैरह स्टक हो जाते हैं, कुछ भी कचरा धूल है वो सब इसमें स्टक हो जाती है, अंदर आ जाती है। और छोटी छोटी जो भी चीजें है इससे ये अंदर लेके ये इंस्ट्रूमेंट में कचरा जमा कर देता है, इसमें सब कचरा जमा हो जाता है। एक एक या दो दो रूम में के बाद आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये भर ज़्यादा गंदा है तो भर जाएगा, ज़्यादा अगर डस्ट है तो ये भर जाएगा। एक दो रूम के बाद आप चेंज कर सकते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट को बिठाने के लिए इधर पैचेस है, तो आप इजीली इसको बिठा सकते हैं। कैसे बिठाना है उधर आपको डेमो भी मिलेगा, लेकिन मैं भी डेमो ही दिखा रही हूँ इसको। ये ब्रश को बिठाने के लिए यहाँ पे होल है, ये पैच में, सेम पैच में अगर आप डालोगे तो इजीली बैठ जाता है। सेम इसको भी बिठाने के लिए पैचेस है, लेकिन ये यूफी चलते समय अगर कपड़ा या कुछ थ्रेड वगैरह आया तो थ्रेड इसमें स्टक हो जाता है, इसमें भी और ये ब्रश में भी स्टक हो जाता है। और यूफी आपको इंस्ट्रक्ट कर देता है कि कुछ स्टक हुआ है। अगर आप बाहर है तो बाहर भी आपको वो वाईफाई के ऐप में आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि स्टक हुआ है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये मिला है जो इसके अंदर है, सेम ये भी निकलता है, इसको भी सेम पैचेस है, यहाँ से निकल जाता है। एयर ड्राई करने के लिए है ये आप वॉश करके भी रख सकते हैं, लेकिन यूज करते समय ये ड्राई ही होना चाहिए। वॉश करने के बाद इमीडिएट आप यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा ड्राई होने दो और बाद में यूज करो। ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, यहाँ पे लिखा भी है एयर ड्राई आफ्टर फिल्टर। ये जो है ये मॉपिंग का है, मॉपिंग के साथ ऐसे दो स्पंज मिलते हैं, मॉपिंग के भी ऐसे दो स्पंज मिलते हैं। टैप वाटर का एक सिंबल है यहाँ पे, ये खोल के आप इसमें पानी, डेटॉल, डिटर्जेंट या डिसइंफेक्टेंट आपको जो कुछ डालना है डाल सकते हैं। ये बिठा के यहाँ पे एक पैच है, मैंने बोला आपको कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बिठाने के लिए अच्छे से पैच है। और एक बार आपको दिखाए तो कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छे से बैठ जाता है। एक खाली झाड़ू के लिए, अगर झाड़ू आपको लगाना है तो इतना ही ऑन कर सकते हैं आप। झाड़ू पोछा एक साथ करना है तो इसमें पानी डाल के नीचे एक स्विच है रेड कलर का, इस स्विच ऑन करो तो यूफी ऑन हो जाएगा और ये क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। अभी मैंने मॉपिंग नहीं लगाया है, पानी नहीं डाला है, तो नहीं डाला तो आप निकाल के रख सकते हैं उसको, अंदर उसमें डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसमें पानी डाला है तो ही वो मॉपिंग का ब्रश अंदर लगा, नहीं तो निकाल के रख सकते हैं खाली झाड़ू के लिए। झाड़ू के टाइम पे इसको लगाने की कोई जरूरत है नहीं, इसको आप निकाल के रख सकते हैं। मॉपिंग करने के टाइम पे ही डालो और मॉपिंग के बाद इसको इमिडिएटली रिमूव करो यहाँ से, क्योंकि बाद में चार्जिंग लगाते समय ये गीला नहीं रहना चाहिए, या गीले के साथ चार्जिंग मत लगाओ। ये चार्जिंग का इंस्ट्रूमेंट है, ये फ्लैप है, फ्लैप अगर लगाया तो भी चलता है, नहीं लगाया तो भी चलता है। यहाँ पे जो मेटल के जो
दो रॉड्स है छोटे, इस पे आएंगे तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा और यूफी आपको इंस्ट्रक्ट भी करेगा कि चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के बाद ब्लू लाइट आता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग सिंबल होगा। इसमें ब्लू लाइट आता है, चार्जिंग होते समय ऑरेंज लाइट आता है। जब चार्जिंग हो जाएगा तब पूरा ही ब्लू हो जाएगा तो आप ऑफ कर सकते हैं। और वाईफाई है इसलिए आप कहीं भी बैठ के उसको बंद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। वेट भी स्लिम है, ज्यादा नहीं है तो वो वार्डरोब के नीचे या सोफे के नीचे भी जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा कम वीड्थ है तो उसके नीचे नहीं जाएगा। मेरे सोफे के नीचे नहीं जाता है, लेकिन बाकी टेबल के नीचे, बेड के नीचे वगैरह सब जगह जाता है। किसी किसी के बॉक्स बेड है तो बेड के साइड से ही घूमेगा ये। इससे ज़्यादा वीड्थ है तो आराम से जाके क्लीन कर देगा। तो इसका डेमो मैं ऑन करके दिखाती हूँ। अगर मुझे टच हो गया तो वहां से ही रिटर्न आ जाता है। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को टच हुआ तो वहां पे स्टॉप नहीं होता, वहां से रिटर्न घूम के पूरा रूम कर देता है और रूम करने के बाद बोल भी देता है कि रूम क्लीनिंग हो गया, उसको होम पॉइंट पे जाना है, मतलब उसको होम पॉइंट पे जाना है, इट्स फिनिश्ड, ये बोल देता है। यूफी है ही रोबोट तो स्टार्टिंग करते समय भी स्टार्ट हो गया, एंड होते समय भी एंड हो गया, ये बोल देता है। बेबीज के साथ अगर मम्मीज और डैडीज कुछ स्ट्रगल कर रहे तो यूफी बहुत ही फायदेमंद है। और इसका यूज मैं तो बहुत तीन चार महीने से कर रही हूँ तो एकदम अच्छे से चलता है। वैक्यूम की तरह उसके पीछे हमें नहीं घूमना पड़ता। आप बच्चों को देख रहे हो तो ये अपना आप काम कर देता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।